उनकी टांगें देखो, कलर ना बिगड़ गया। बैठ जा। अच्छा, अरे ब्लॉग ही बोलूंगा, मजाक कर रहा था इतने दिन यार। तू फिर बोलता है मुझे कि नहीं ये कर, इसीलिए हम जा रहे हैं वापस स्टेडियम। देखो इसके सर पे टोपी है, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा टोपी बाज इंसान है ये। हम लोग जा रहे हैं GT वर्सेस SRH की मैच देखने के लिए। मेरे को लास्ट टाइम SRH की बैटिंग देखो बहुत डर लग रही है, बट आई विल सपोर्ट। और वो उनका होम ग्राउंड था ना, ये अपना होम ग्राउंड है। हाँ, बट तो फिर, और वैसे भी नीम का पत्ता कड़वा है, शुभमन गिल प्यारा है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए दोनों? अपना GT का कैप्टन है यार, है। अपना कैप्टन कैसा हो? शुभमन गिल जैसा हो। मेरे फॉन्ट से तेरी टी-शर्ट मैचिंग हुई, अपने नोटिस नहीं किया था। यस, ठीक है। मैं ढूंढ के लाइट कलर निकाल रही थी कि मुझे गर्मी कम लग गए। तो जनरली मैच के लिए हम लोग है ना 2 घंटे पहले चले जाते हैं, क्योंकि हम टॉस भी देखते हैं, उसके अलावा जो होता है ना फील्ड प्रैक्टिसिंग वगैरह सब देखते हैं। मुझे लगता नहीं है क्या टीम खुद आई होगी, क्योंकि भाई दोपहर की मैच है हमारी और इतनी ज्यादा गर्मी है बाहर, अभी खुद तेज धूप है बाहर, 40 डिग्री दिखा रहा है स्टेडियम में, और प्लस हमारी जो सिटिंग होगी ना वो धूप में ही होगी भयंकर वाली, क्योंकि हम वर्ल्ड कप के बाद गए थे, हमको मालूम है दोपहर का था भाई क्या गर्मी। तू तो आ मत कर, तो शाम को आया था सब कुछ हो जाने के बाद, वही बाबू को लेके आया था उस वक्त की, दैट टाइम्स बाबू एक्स बाबू। नहीं, एक्स बाबू कैसे हुए, हाँ एक्स जो भी हो छोड़ो, मैं तो एक्सपोज कर दिया गलती से। एनीवेज अभी हम लोग रास्ते में जा रहे हैं स्टेडियम की तरफ, 2:30 बज चुकी है, 3:30 की मैच है, 3 बजे टॉस होगा। नाम टॉस के लिए पहुंचने वाले हैं, हम सीधा पहुंचने वाले हैं मैच के वक्त, क्योंकि टॉस हम रास्ते में देख लेंगे, उसके बाद आधा घंटा बैठना पड़ेगा धूप में, इससे बेटर है डायरेक्ट मैच के वक्त पहुंचते हैं, है ना। और इस बार गेट 1 है, थैंक गॉड, गेट 2 के लिए कितना ज्यादा चलना पड़ता है, और वहां पे एग्जिट के वक्त तो वाट लगती है गेट 2 का। पर इस बार अगर वो चचा नहीं मिलेंगे ना, चचा को मिस करेंगे यार। हाँ यार, वो चचा होने चाहिए पार्किंग में, मस्त चचा थे। अगर आपने वो वाला ब्लॉग भी देखा हो जिसमें फर्स्ट हमने GT और MI वाला मैच देखने गए थे, देखना, मस्त मस्त कंटेंट ही कंटेंट मिला था, सच में वो ठीक है, अच्छा था। अरे मोदी जी भी थे उस ब्लॉग में, तो देखना जाके, और सब्सक्राइब कर लो अभी इस चैनल को। बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है क्या? बहुत धूप है, खोल चल। हाँ ठीक है बैठ जाओ। हम तीनों को देखो, हम लग रहे हैं प्रॉपर तीनों टोपी मास्टर हैं, इसकी टोपी उसके सर टोपी पहनने में मास्टर। चलो वापस से हमको एक भैया मिल रहे हैं जो हमको गेट पे पहुंचा देंगे, और सेम लास्ट टाइम की तरह हमको 50-50 रुपए पर हेड पे लगेगा चार्ज। और हमारे साथ ना एक छोटा सा पोपट भी हुआ है, वो मैं वहाँ पहुँच के बताता हूँ आपको, गंदा वाला इसका भी हुआ, इसका भी हुआ, मेरा भी स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में तो इसने किया ही था, इसी ने तो पहले अपने को बताया था, इसी ने बताया, और उसके बाद तुमने एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्ट तुमने किया था, किया था। ओ भाई साहब, हम लोग यहाँ पे उतरे और वहाँ पे मेट्रो की हालत तो देखो, हर जगह पे क्या गजब भीड़ है, और ऊपर से लोग चिल्ला रहे नहीं, ओ है खतरनाक है, चिल्लम चिल्ली की आवाज आ रही है वहां से। भाई हम लोग चल रहे हैं ना यहाँ पे, जो गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है अंदर क्या हालत होगी, यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा छांव मिल रहा है हमको, अंदर तो बैंड ही बजने वाली है बुरी तरह से। अंकिता तो बोलने की हालत नहीं, इसका ध्यान भी नहीं है ब्लॉग पे, इतनी गर्मी लग रही है। मैं खुद टोपी पहन ली यार, सोचो पहले मैं कंफ्यूज था, मैंने अंकिता बोला छोड़ यार टोपी मैं नहीं पहननी है, लास्ट टाइम यहाँ से आए थे, और लास्ट टाइम से आज क्राउड सिर्फ इसलिए ज़्यादा लग रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग लेट आए। थैंक यू भैया, हमने सोचा अंदर जाके भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा महंगा महंगा खाना पड़ेगा, 20 रुपये की ककड़ी खा के जाते हैं, थोड़ा सा एक पैकेट का खर्चा कम होगा अंदर, है ना। लास्ट टाइम भाई पिज्जा 350 रुपये का, मेरे को तो अभी भी याद, और पिज्जा अच्छा भी नहीं था। मैं आप सबको है ना एक प्रो टिप देता हूँ, कभी भी स्टेडियम में जाओ ना, तो वहाँ पे कुछ भी परचेस कर लेना, कोल्ड ड्रिंक मत करना कभी, क्योंकि ग्लास में लेके घूमते गैस होता ही नहीं, और पैसे 3 गुना होते हैं। हेलो भाई, सिर्फ ककड़ी खाई है पर इतना हाइड्रेशन लग रहा है ना, एक बात तो है नेचुरल चीज़ तो नेचुरल ही होती है अंकिता, कितना भी कोल्ड ड्रिंक पी लो कुछ भी पी लो, ऐसी नेचुरल चीज़ें खाते ना, पाइन एप्पल है, फिर फ्रूट्स है, ककड़ी है, इससे हाइड्रेशन अलग लेवल मिलता है। तुम लोगों को पता है ना मैच के लिए लेट हो रहा है, मैं चश्मे खरीदने खड़े रह गए, और ये बोल रहा है मैं घर पे भूल गया, और ये बोल रही है मैं घर पे भूल गई, जबकि ये ना ये सुबह से मेरे को चश्मे दिखाई जा रही कौन से कौन से कौन से,
अभी हम यहाँ पे चश्मे लेने के लिए खड़े हैं। कोई नहीं भी आप ही दे दे एक टिकट से। हम लोगों की सिक्योरिटी चेकिंग हो गई। अंकिता को पता नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई। गजब की भीड़ लगती है। जल्दी आना भाई, जल्दी आना चाहिए। बहुत गजब भीड़ हो जाती है बाद में यार। मैच भी चालू होने वाली है। ये ना जबरा झटका देता है, ये जी ये धक्का देता है ना, वो दिक्कत को देखना मजा आएगी ना। टपली पड़ी पीछे से है ना। अच्छा टिकट देना, अपने अपने काट लिया ना है ना। कौन सी वाली है? एक मिनट, मैं वही देख रहा हूँ ना। अबे यार हम लोगों ने सोचा था कि गेट पास में है तो मजा आएगी। गेट के छोड़ो, हमारा गेट बहुत दूर है यहाँ से अंदर आने के बाद। भाई साहब इतनी गर्मी लग रही है। टाइटंस अभी हम लोग घुस तो गए, स्कोर वोर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैठेंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना वहाँ पे, तो हम लोग हमारी सीट पे नहीं बैठने वाले थोड़ी देर के लिए। थोड़ा दूर बैठेंगे वरना वैसे बारहवीं क्यों हो जाएगा हमारा। ओ भाई जीटी को पहली विकेट मिल गई 34 रन से। भाई क्राउड की हैप्पीनेस तो देखो, गजब सेलिब्रेशन देखो वहाँ पे। हम लोगों ने वापस से अवे टीम वाला ले लिया है। यहाँ पे सारे के सारे एसआरएच वाले बैठे हैं। मस्त मैच चल रही है। और भाई राशिद खान के ना 2 बॉल पे 6 लग गई है। हमारा तो फिर भी ठीक है। मैं बताता हूँ किसकी बैंड बज रही होगी वहाँ पे। जो चेयर लीडर्स हैं इतनी धूप में भाई डांस करने का, उनको एंड तक वाट लग रही होगी इन लोगों की। ओ भाई हेड की विकेट गई, दूसरी विकेट गई। ओ ये पहली मैच है हमारी जिसमें हम तीनों एक ही टीम में है। कैसे डेट पे ले जाएगा जब से इसने टीवी पे देखा ना पगला गया ये। अगर इसकी गर्लफ्रेंड देख रही है ये वीडियो तो भाई दानत खराब है कहीं और। देखो क्या शरीर दिखा रहा है खुद को। अच्छा ये बोला मजाक चल रही है सर। लास्ट बॉल देखिए 163 टारगेट है। अभी हम सस्ता वाला मैकपॉप महंगे में खा रहे हैं, 100 रुपए का। यहाँ पे बस मैकडॉल के यहाँ पे है ना सबसे सस्ती चीज यही है। बाकी सब बर्गर है ना, मैक वेजी बर्गर 300 रुपए का, आलू टिक्की 200 रुपए का है। भाई चलो एक अच्छी चीज मिल गई हमको, बेल। मैच चालू हो रही, चलो चलो चलो। पहले भी उसी ने मारा था। मैच भी ये देख रहा, मैच भी ये देख रहा था कि तेरा ध्यान है कि नहीं, देख के बता रहा है। यार सहा की विकेट चली गई यार। भैया सारे के सारे काउंटर देखे, इसमें सबसे ज्यादा देख के मजा आई। समोसा होना चाहिए यार। केचप और एक रख दो। हाँ केचप चाहिए एक और। थैंक यू यार। शुभमन गिल की विकेट चली गई। अरे बोल दो ऐसा बोल रहा था ये। भैया यार एक प्रॉब्लम है, पर अब से ना यहाँ पे सीट नहीं लेंगे, उस साइड लेंगे। अच्छी जगह है। अरे अच्छी जगह नहीं यार, अच्छी जगह निकुल तू खुद देख, अपने लास्ट टाइम बैठे था सामने चेयर लीडर कर रहे थे। अभी तो एकदम उसे दिख ही नहीं रही एक भी। फिर उसे देखना पड़ता है उस वाले रैक में है। देख ये नट रहा है, दिख ही नहीं रही है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्या टांगे नहीं देखनी, पूरी देखनी है। उस तरफ है पर चेयर लीडर सारी बोल। देखो इसलिए तुम दोनों उठ उठ के वहाँ पे देख रहे थे लास्ट टाइम, यहाँ पे नहीं थी। वही तो दिख भी नहीं रही है। और नीचे आए तो बिल्कुल नहीं दिख रही अब तो। हाँ ऊपर जा रहे हैं। और आज तो वो है स्कॉट वाली। मैं यार विकेट चली गई 45 पे और ये मैगी खा रहा है। 20 रन भाई, गजब ऑसम भाई साहब। बाउंड्री पे बाउंड्री, 16 बॉल में 8 रन चाहिए। ऑसम। और ये देखो ये तो चिल्का के नाश्ता पानी कर रहा है। गुजरात जीतेगा। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया। यहाँ पे ना सब लोग रेडी हो गए कि भाई खत्म होने वाले हैं। यहाँ फोटोग्राफी भी चालू कर रही है सब लोगों ने। काफी लोग तो चले भी गए पता है।
पता है, बोले हो गया अब खत्म, बीट नहीं होनी चाहिए वालों से पहले निकलो। और अभी रन चाहिए सिर्फ 10 बॉल में, 5 रन चाहिए। अभी पता नहीं बॉल का कुछ चल रहा है, अच्छा बॉल चेंज किया शायद, 8 बॉल में 4 रन चाहिए तब बॉल चेंजिंग हो रहा है। मैच के बाद है ना भीड़ में इतना ज़्यादा आदत हो गई है ना निकलने के कि परेशान हो जाते हैं, तो इस बार हम देखो खाली हो गया ना पूरा, उसके बाद लास्ट में निकल रहे हैं, पूरा स्टेडियम ही ऑलमोस्ट खाली हो गया। और ये देखो यही दिन देखना बाकी था मेरे को है जिधर निकुंज, क्या चल रहा है सब निकुंज की बाबू, ये ओ माई गॉड सो हाई डिफरेंस। नहीं नहीं मैं ये नहीं देख सकता, चल 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 चलते, बस बस अंकिता बस इट्स ओके चल ये देखो दो दो मेट्रो क्रैश हो रही है, तो उससे मुझे वो याद आया अंकिता, एक जो ये के बे एकदम मेट्रो लागे छे देखा निकुंज, ओए 15 मिनट या 10 मिनट लेट निकलने का फायदा क्या हुआ, कम से कम वो धक 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 वाली लास्ट टाइम जैसा इशू नहीं है इधर। लास्ट टाइम तो उसी में थक गए थे मैच के एंड तक थकान नहीं लगी थी, जैसे वो भीड़ के अंदर दिमाग खराब हो गया, नहीं ऐसा लग रहा था लोगों ने अपना ऑक्सीजन चूस लिया है, पर अपने जो यहाँ पे पहली मैच देखी उसमें भी गजब वाली मजा आई, ये दूसरी वाली मैच देखी उसमें भी बहुत गजब मजा आई, और दोनों अलग अलग टाइम पे देखी, एक दिन में देखी आज और एक रात की देखी, दिन में ही मेरे को मजा आई है देखने की। वो स्टार्टिंग दोपहर को स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था, थोड़ी देर के बाद तो यार मजा आ रही है। अभी तो आज निकुंज की फेवरेट प्लेयर का वो है मैच CSK, धोनी बहुत बड़ा फैन है, मतलब घूम जाता है उसको देख के गोल गोल वैसे अगर आपको इसकी रिएक्शन समझ में आया तो नीचे हेट कमेंट्स कर सकते हो। ओ भाई साहब भीड़ तो देखो, चलो जी हमने ऑटो ले लिए है काफी सारी बार्गेनिंग करने के बाद पार्किंग तक जाने के लिए, पर अच्छा वो ले लिया, इतना अब देख के ऐसा लग रहा है चल तो पाते सही है, पर मेरे को अब देख के ऐसा लग रहा है ठीक है ले ली, पब्लिक नहीं है ना, पब्लिक होती तो मजा आती है, इट्स ओके रिक्शा में ज्यादा मजा आ रही है, चल के और भी ज्यादा मजा आती, बस अपने दोनों की तरफ से मैंने बोल दिया। देखो गाइस पूरा अंधेरा, अपनी गाड़ी चमकाते इसको, चलो हेडलाइट चलो, हाँ चलो फाइनली हम गड्डी में बैठ पाएंगे एसी के अंदर। भाई साहब यहाँ पे है ना सबकी सबके गाड़ी के बम्पर हैं टच हो रहे नीचे, हम लोगों ने सामने गाड़ी पार्क की है, हम खाने आए हैं यहाँ पे वड़ा पाव जो कि बहुत मस्त होता है बॉम्बे बॉक्स, हमने पहले भी खाया हुआ है ना यहाँ पे, तू ट्राई कर आज खा के बता जल्दी कैसा लगा। थैंक यू, वैसे मुझे केचप चाहिए नहीं था, और अपने कभी नहीं लेते, हैव अ बाइट एंड हैव लिटिल मिर्ची यू विल लव इट, तेरे को नहीं चाहिए क्या, चाहिए पर मैं पर दूसरी देंगे वरना, कैसा है मस्त है ना, और सिर्फ 20 रुपए का, क्या देखो वड़ा पाव क्वीन। भाई हम लोग घर पे आ चुके थे और CSK की भी मैच देखी जो कि दिल्ली कैपिटल के साथ थी, भाई गजब का वाली मैच थी, क्या मस्त है, क्या कैप्टनसी की है यार, अच्छे से उसने कीपिंग की है, बहुत अच्छे से उसने रन स्कोर की है, और सबकी बॉलिंग वॉलिंग भाई गजब माइंड ब्लोइंग, फैंस को धोनी को ऑन ग्राउंड देखने मिल गया, और वो भी काफी अच्छी बैटिंग की है, मतलब धोनी फैंस को तो वसूल हो गया आज की मैच, कोई फर्क नहीं पड़ता CSK जीते के आ रही, मतलब देख लिया धोनी खेलते हुए बहुत हो गया, हम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा था, वो लोग जस्ट खुश थे धोनी के लास्ट ओवर, यस अरे लिटरली भले CSK हारी पर ग्राउंड में ऐसा लग रहा था जैसे CSK जीती हो, ठीक है ना, अच्छी मैच थी, और मेरी ये टी शर्ट कैसी लग रही बताना, नई ली है, नीचे का भी है पूरा, हाँ मतलब मैंने जिद करके बहुत जिद करके ली है हिरन के लिए। एनीवेज मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोगों को गुड मॉर्निंग, हम लोगों को गुड नाइट, सब्सक्राइब विद बेल आइकन, लाइक शेयर कमेंट, लाइव स्ट्रीम अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो अनफिल्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, मतलब फ्री का है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और प्रैंक देखने के लिए प्रैंक चैनल पे सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
लव।